हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज विरेन। और जैसे कि हम बात करने वाले हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की। जी हाँ, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2021 जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उसकी बात करेंगे कि बीपीएस और आईटी जो पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने ही चाहिए, तो बात हम आज उसकी करेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना। इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन है, सब बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में बहुत से लोग एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी, ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए नहीं है, ये बाकी सारे फील्ड्स के लोग हैं, कोई भी ग्रेजुएट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो बीसीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बी फार्मा हो। तो आई होप आपने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए अप्लाई किया है और आप एग्जाम देने वाले हैं। बात करते हैं पहले टाइम ड्यूरेशन और सेक्शंस की। तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में मेनली आपके तीन सेक्शन होने वाले हैं, जो कि होगा क्वांट्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इन तीनों सेक्शंस के अलावा इनके अगर हम टाइम ड्यूरेशन को देखें तो वर्बल एबिलिटी में आपको 24 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 30 मिनट्स में। जी हाँ, आपको 24 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में करने होंगे, तो ऑलमोस्ट आप सिर्फ एक ही मिनट हर क्वेश्चन पे आप खर्च कर सकते हैं। बात करेंगे अगर रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन आपका 50 मिनट होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट तक टाइम आप वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 1.5 मिनट लगा के आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी को बड़े ध्यान से और अच्छे से करने की जरूरत है। बात अगर करें हम क्वांट्स की यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में करने होंगे आपको। तो 25 क्वेश्चन 40 मिनट्स में भी आपको सेम पढ़ रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आप 25 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे आपके सेक्शंस हो गए, इनके टाइम ड्यूरेशंस हो गए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हर सेक्शन के यानी कि हर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे क्वेश्चन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डिविजिबिलिटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपसे मिक्सचर एलिगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, तो आपसे मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आप ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लें। साथ में अगर और कोई टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो SCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, तो ये कुछ टॉपिक्स आपके हो गए न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आप इन सारे टॉपिक्स से कवर कर रहे हो, इन सारे टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और इन टॉपिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज़ ध्यान दें। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। तो वर्बल एबिलिटी में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, साइनोनिम्स, स्पेलिंग, एंटोनियम्स, पैसेज ऑर्डरिंग और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और हर पैसेज से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बिल्कुल प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ऐसे आपके 2-3 क्वेश्चन तो आए जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे वर्बल एबिलिटीज हो गए। तो आई होप आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब चलते हैं आगे, चलते हैं और बात करते हैं अपने लास्ट सेक्शन यानी कि रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपसे नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, जी हाँ ब्लड रिलेशंस जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग नहीं, ये अलग चीज़ है, एजेस, एज के क्वेश्चंस जो हम स्कूल में करते थे अपने 9th-10th के अक्सर, जैसे मदर फादर के प्रेजेंट एज ये है तो आपसे 10 साल बाद कितनी होगी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, डाटा एफिशिएंसीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाँ कि अगर कोई बंदा ईस्ट में 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर वेस्ट 50 जा रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में 60 जा रहा है, तो इनिशियल पोजिशन से अप वाली पोजिशन पर वो कितने, कौन से डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर कर ले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। आपसे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो आने वाला है रीजनिंग में, वो है ऑड वन आउट फाइंड करने को अक्सर आ जाता है, और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ABCDEF, कोई 5 बंदा बैठा है और ई की लेफ्ट में ए है, बी की लेफ्ट में एफ है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपके स्मार्ट हायरिंग में पूछे जाएंगे। आपके पास टाइम अब बहुत कम है, तो प्लीज़ आप, होप आप इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आप मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इन एप्टीट्यूड्स की, इन सब की, तो मेनली आप कौन से साइट्स चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने वीडियो पिन कर रखी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने बेस्ट 5 एप्टीट्यूड साइट्स बताए हैं, तो उनमें से आप किसी भी साइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की, तो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आप इंडिया बिग से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेनली क्वेश्चन वो इंडिया बिग से ही पूछते हैं, तो आप इंडिया बिग्स पर प्रैक्टिस कर ही सकते हैं।
आपको कोई भी न्यू अपडेट चाहिए होता है या फिर कुछ भी दें तो आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पहले ही अपडेट दे देता हूँ, वहाँ पे मैं पहले ही वीडियो रिलीज कर देता हूँ या फिर पोस्ट रिलीज कर देता हूँ कि हाँ ये वाले एग्जाम्स आने वाले हैं या ये वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी जरूर कनेक्ट कर लें। तो मैं वीडियो यहीं एंड करूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।